हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर वेल एट योर होम. आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आदर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल हाई सेरगढ़. टुडे आई एम गोइंग टू टेक अप योर क्वेश्चन आंसर पार्ट नेक्स्ट. वी हैव डन ऑलरेडी 5 क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोइम. द नेम ऑफ द पोइम वॉज द टाइगर इन द जू. सो लेट्स वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस पोइम. What should the tiger be doing if he were in the jungle? In this poem, the poet says that what should जो tiger है वो अगर jungle में होता तो वो क्या करता. तो इसमें poet क्या बताता है, the tiger would be lurking in the shadow of tree. जो lurking का मतलब होता है शिकार के लिए तैयार रहना, शिकार करने के लिए तैयार रहना. तो वो शिकार करने के लिए अपने आप को तैयार किए हुए बैठा होता ट्री शेडो पेड़ों की छाया में. ही वुड बी स्लाइडिंग स्लोली थ्रू द लॉन्ग ग्रास. वो लंबे ग्रास में खुद को धीरे धीरे स्लाइड कर रहा होता, सरका रहा होता. ही वुड बी सिटिंग बाय सम वाटर होल एंड वाटरिंग वेटिंग फॉर सम प्लम्प डियर टू पास द वे. दैट वे वो क्या करता है कि बैठा होता किसी पानी के किनारे और पानी के होल यानी पानी के गड्ढे के किनारे वो बैठा होता और किसी प्लम्पी हियर का वेट कर रहा होता कि वो वहाँ से गुजरे उस रास्ते से. नेक्स्ट, व्हाट शुड द टाइगर डू टाइगर बी डूइंग इफ़ ही वर एट द एज ऑफ द जंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर वो जंगल के किनारे पर आ जाता तो वो टाइगर क्या करता. द टाइगर वुड बी मूविंग अराउंड द हाउस इन द नियर बाय विलेज. जो जंगल के किनारे गांव होता वहाँ पर वो इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होता किसी हाउस के. ही वुड बी ग्रोलिंग वाइल मूविंग राउंड. वो इधर उधर घूमता हुआ ग्रोलिंग कर रहा होता. ग्रोलिंग मतलब कि घुर्राना, घुर्रा होता, घुर्रा रहा होता. द साइट ऑफ हिज वाइट फैंग्स एंड हिज टेरिबल क्लो वुड फिल द विलेजर्स विद टेरर. जो उसके सफ़ेद दांत है और जो उसके डरावने पंजे हैं उनको देख करके जो विलेजर्स हैं वो डर जाते, भयभीत हो जाते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टाइगर डूइंग व्हाई इज इग्नोरिंग द विजिटर्स. टाइगर जो अब इसने कहा क्योंकि वो पहले तो इमेजिन कर रहा कि जंगल में होता तो कैसे करता. अब ये रियलिटी है कि अब वो केज में है, पिंजरे में है, वो इग्नोर क्यों कर रहा है विजिटर्स को. तो कह रहा है कि टाइगर क्या कर रहा है और विजिटर्स जो वहाँ पर आने वाले देखने वाले दर्शक हैं उनको वो इग्नोर क्यों कर रहा है. द टाइगर इज़ मूविंग अलोंग द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द केज स्लोली एंड क्वाइटली. टाइगर क्या करता, वो धीरे धीरे इधर उधर चुपचाप चल रहा होता क्वाइटली, धीरे धीरे. ही सीज दैट द विजिटर कीप कमिंग एंड गोइंग. वो देखता कि विजिटर्स जो है वो आ रहे हैं और जा रहे हैं. नन ऑफ देम थिंक ऑफ रिलीजिंग हिम फ्रॉम हिज प्रिजन. कि कोई भी उसको इस केस से, इस प्रिजन, इस जेल से मुक्त कराने के बारे में नहीं सोच रहा. द टाइगर सीज दैट ऑल ऑफ देम आर अनफीलिंग फेलो. टाइगर देखता है कि वो जो जितने भी वहाँ पर आते हैं वो अनफीलिंग फेलो है. जो व्यक्ति हैं वो उनमें कोई भावना ही नहीं है, वो भावनाहीन है. सो ही स्टॉप्स टेकिंग एनी नोटिस ऑफ देम. इसलिए उसने उन सब की तरफ देखना जो है वो बंद कर दिया. वाई डू यू थिंक द टाइगर लुक्स एट द स्टार्स. आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि टाइगर जो है स्टार्स की तरफ देखता है. द टाइगर हैज़ लॉस्ट ऑल होप फ्रॉम मैन. टाइगर ने अपनी जितनी भी आशाएं थी वो मनुष्य से वो खो दी हैं. वट ही हैज़ होप फ्रॉम हैवन ओनली. नाउ ही हैज़ होप फ्रॉम हैवन ओनली. अब उसको सिर्फ और सिर्फ हैवन से आशा है, यानी कि सिर्फ भगवान से आशा है. इट इज़ दिस होप दैट ही कैप्ट द ब्रिलियंट इन हिज आइज. और उसने उस आशा को अपनी चमकीले आँखों में
बनाए रखा है, चमकीली आंखों में जिंदा रखा है उस आशा को, उस उम्मीद की किरण को। दैट इज़ वाई द टाइगर लुक्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। इसलिए जो टाइगर है वो चमकते हुए सितारों को अपनी चमकती हुई आंखों से वो देखता है। Why does he express his anger quietly? वो अपने गुस्से को शांति से कैसे एक्सप्रेस करता है, क्यों करता है? सॉरी, द टाइगर इज फुल ऑफ रेज। जब हम जानते हैं कि टाइगर इधर उधर कर रहा है, मूव कर रहा है केज में, तो वो सिर गुस्से से भरा हुआ है, बट ही इज़ क्वाइट, पर वो शांत है। इट इज़ बिकॉज ही नोज हिज रेज इज़ इम्पोर्टेंट इन ही दिस सिचुएशन। वो जानता है क्योंकि उसका जो गुस्सा है वो इस सिचुएशन में, इस स्थिति में इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट होता है, जिसकी कोई पावर नहीं होती, यानी कि शक्तिहीन है। ही कैन नॉट एस्केप फ्रॉम हिज केज, और वो इस केज से, इस पिंजरे से वो भाग नहीं सकता, बच नहीं सकता। बट साउंड डज द टाइगर हियर एट नाइट, रात को कौन सी साउंड जो है टाइगर सुनता है पिंजरे में? द टाइगर हियर्स द नॉइज ऑफ पेट्रोलिंग कार एट नाइट। जो टाइगर है वो पेट्रोलिंग कार की आवाज़ सुनता है। ही रिमेन्स डिस्टर्ब ड्यू टू, पेट्रोलिंग कार वो होती है जो रात को चेक करने आती है बार बार उनको। ही रिमेन्स डिस्टर्ब्ड ड्यू टू दिस नॉइज, वो इस नॉइज के दौरान जो है वो डिस्टर्ब रहता है। ही नॉइज उसका पेट्रोलिंग कार का जब आता है तो उसके दौरान वो डिस्टर्ब रहता है। ही कैन नॉट रेस्ट ड्यूरिंग द डे ड्यू टू द विजिटर्स, विजिटर्स दर्शक के कारण वो दिन में रेस्ट नहीं कर पाता। एंड ही नोज नो रेस्ट एट नाइट ऑल्सो, और वो जानता है कि रात को भी कोई रेस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके कारण, पेट्रोलिंग कार के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, सो रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।